Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So welcome to the second book of your maths book, है ना? First book हमने finally कैसे भी करके खत्म करी है ना? अब second book जो है वो भी equal ही weightage रखती है, even ज्यादा ही रखती है, क्योंकि इसमें 7 chapters है, उसमें 6 ही थे, इसमें 7 chapters हैं, but कुछ chapters छोटे भी हैं, तो करीब करीब equal weightage है. और सबसे main और सबसे important chapter जो book का है वो है पहला ही chapter इसका, chapter number 7, which is integrals, है ना? Okay. So, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक नॉलेज से इंटीग्रल्स, ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं. मैंने आपको ये सिखाया बेटा कि एफ एक्स एक फंक्शन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर. तो मैंने कह दिया कि भैया एफ डैश एक्स निकालना, जरा डेरिवेटिव निकालना. क्या निकाल देते हो आप, क्या निकाल देते हो? तो अब आयुषी, अब आपका माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, अचानक अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से कैलकुलस पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कैलकुलस में हो आप, है ना? अब आप अल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में नहीं हो. तो एफ डैश एक्स इज 2x, आपने डेरिवेटिव निकाल लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर आप मैथ्स में हमेशा ऐसा होता है कि आप यहां से यहां आ सकते हो तो यहां से वहां भी जा सकते हो, हमेशा ऐसा होता है. आज तक ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? अरे आपने साइन एक्स पढ़ा तो साइन इनवर्स एक्स नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा क्या? या मैंने कह दिया कि रहने दो मत पढ़ो, किसी ने अलाउ किया क्या? ना. अरे स्टार्टिंग ही ऐसे हुई थी कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती याद करके गए थे बड़ी मुश्किल से बचपन में, तो मैडम ने अगला ही टास्क दे दिया, उल्टी गिनती शुरू करो. तो शुरू से ही चलता आ रहा है ये, तो प्रथा है मैथ्स की. तो एक सीधी चीज शुरू कर दी तो अगली चीज उल्टी आती हुई दिखाई देती है और करनी पड़ती है. तो अब अपन क्या करने वाले हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या करने वाले हैं? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मैं आपसे पूछूंगा कि एक ऐसा फंक्शन बताओ, अभी नंबर नहीं बोलते हैं कैलकुलस में अपन, फंक्शन बोलते हैं. एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव 2x हो, तो आप क्या कह दोगे? ऐसा फंक्शन है x स्क्वायर, ऐसा फंक्शन है x स्क्वायर. तो x स्क्वायर से 2x में आते टाइम आपने डिफरेंशिएशन किया, 2x से x स्क्वायर में जाते टाइम आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन. क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन. देखो x स्क्वायर का 2x क्या है? डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ कुछ टर्म्स की बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी पे अभी पहली क्लास में ज्यादा ध्यान देंगे, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है. खैर कई जो टीचर्स होते हैं सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस पे करेंगे वो तो करना ही है, उनको तो छोड़ नहीं सकते, बट कुछ टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए. आधे एक नंबर के क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x मिलता है. तो इसका उल्टी लाइन क्या लिखूंगा, इसके अपोजिट क्या लाइन लिखूंगा? डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल. क्या? इंटीग्रल ऑफ 2x इज x स्क्वायर, लिख सकता हूं. अब ये स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, लेकिन ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है. ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है. क्यों? इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि क्योंकि ध्यान से देखना, इंटीग्रल ऑफ 2x, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकता हूं, यस और नो? अरे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव भी वही होता है, नहीं होता है क्या? और इनफाइनाइट फंक्शंस लिख सकता हूं, ठीक है? तो क्या समझे, पहली चीज क्या समझे कि डेरिवेटिव तो एक पर्टिकुलर फंक्शन आता था, इंटीग्रल कभी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं आएगा. इसीलिए यहां पे दो टॉपिक्स हैं, एक नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल. पहले अपन बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल की, और फिर उसको डेफिनेट बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद सेकंड फेज में होगी, काफी दूर होगी. इससे पहले तो सारा काम कैसे चलेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल का, यानी कि हालांकि मैक्सिमम रूल्स यानी 90% रूल्स आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ही सीख लोगे, करना तो वो का वही काम है, बस थोड़ा सा एक आध चीज एक्स्ट्रा है वहां पे, ठीक है? क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी इसका इंटीग्रल हो सकता है. मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भाई इंटीग्रल का मतलब क्या है? एक ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव ये हो. तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डेरिवेटिव होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव होता है. कोई कह देगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 30 का भी डेरिवेटिव यही तो होता है. तो इनडेफिनेट फंक्शन आते जा रहे हैं जिसका डेरिवेटिव ये है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2x के तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं. 2x के तो क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है. एक चीज नोटिस करी, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं? इन ये एक दूसरे से अलग कैसे कैसे हैं? ये सोचो, कांस्टेंट टर्म्स से. यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ -30 है. क्या ये वेरिएबल टर्म से अलग हैं? हो ही नहीं सकते. ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट होने का मतलब यहाँ पर है अलग होना, है ना?
ये एक दूसरे से अलग जो है कांस्टेंट टर्म से ही हो सकते हैं, वेरिएबल टर्म से नहीं हो सकते, तो इन कांस्टेंट्स को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और उसको इस चैप्टर में और कैलकुलस में कैपिटल लेटर सी से मार्क करते हैं। कैपिटल लेटर सी से मार्क करते हैं तो 2x का इंडेफिनेट इंटीग्रल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो मर्जी आए सी ले लो, ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। भाई ऐसे तो कितने बोलेंगे, कितने बोलेंगे, बोलते जाएंगे क्या? तो ये 2x का इनडेफिनेट इंटीग्रल है, वो सारे क्या है, वो डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनेट से डेफिनेट में जाने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देगा वो, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू देगा या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। इसकी बात करेंगे 7वीं 8वीं एक्सरसाइज से, 6 या 7 एक्सरसाइज पूरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। समझ में आई क्या बात यहां तक? मतलब इसी चैप्टर में दोनों का जिक्र होगा, 11 एक्सरसाइजेस शायद, तो 7 एक्सरसाइज या 8 एक्सरसाइजेस तो इनडेफिनेट की, और फिर बाद में डेफिनेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? बोलो। तो इंटीग्रल्स दो तरह के क्लियर हैं, एक इंडेफिनेट और दूसरा दूसरा अब बात करते हैं सर, आपने कहा, इसको क्लीन कर दूं मैं थोड़ा बोर्ड को, अभी रफली बात करूंगा आज मैं, मैक्सिमम आपसे कुछ नोट करने के लिए आपको घर से दूंगा, यहां नहीं नोट कराऊंगा, है ना। देखो मैंने आपसे कहा, उसी बात पे वापस आता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, इंटीग्रल शुरू आए क्या स्कूल में शुरू आए क्या? हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम, बट ये सारी बातें तो नहीं बताई उन्होंने। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ 2x इज, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी हो सकता है, आपने कहा एक्स स्क्वायर -30 भी हो सकता है। इन शॉर्ट आपने ये कहा एक्स स्क्वायर प्लस सी लगा दो, ये इन सबका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है, ये मैंने कहा तो सर ऐसा कैसे हो रहा है भाई, इसको ग्राफिकली बताओ, थोड़ा ज्योमेट्रिकली बताओ, ऐसा कैसे हो रहा है कि एक फंक्शन के इतने सारे इंटीग्रल कैसे हो रहा है? तो आप याद करो डेरिवेटिव, आप याद करो डेरिवेटिव जब अपन लिखते थे तो डेरिवेटिव के का जो एक्चुअल मीनिंग था वो क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या था आपके एनसीईआरटी में? बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अभी आगे बताता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एनसीईआरटी बेटा आपके लिए, मतलब भगवत गीता याद रखना, 11th 12th के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट बुक नहीं है, इवन किसी भी इस तरीके के इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के लिए, है ना, भगवत गीता मानो उसको सुबह शाम, इसका इसको इसका रेफरेंस लेना मत सोचा करो, कहीं से कुछ भी सीख लो, इसमें से जरूर पढ़ा करो ये क्या कहती है, उसका रेफरेंस लेना मत छोड़ा करो। ओके ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट सीखा था अपने, डेरिवेटिव का मतलब क्या सीखा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दैट मीन्स कि सर अगर मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो लेट सपोज करो ये है मेरा फंक्शन, ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा सा ऐसा बना दो, अब मुझे इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, तो आप क्या करते थे, स्लोप ऐसे निकालते, ठीक है, ऐसे टेंजेंट बना के उसका स्लोप निकालते थे। तो 2x मतलब इसका स्लोप है, अगर एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन है तो ये इसका स्लोप है कि नहीं है? मान लो इस कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो स्लोप तो 2 या 3 स्ट्रेट लाइंस के बराबर हो सकते हैं ना, तो इसके पैरेलल अगर कोई और स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप भी 2x हो सकता है। दैट मीन्स एक ऐसा और फंक्शन है दुनिया में जिसका स्लोप यही है, समझ रहे हो बात को, एक ऐसा फंक्शन और है दुनिया में जिसका स्लोप यही है, एक ऐसी कर्व और एग्जिस्ट करती है, और दुनिया में ऐसी तो इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस बनाई जा सकती हैं, ऊपर नीचे बनाए जाओ पैरेलल लाइंस, इधर 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 इधर, इन सब के स्लोप यही है ना, इन सब पे स्लोप और पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं ना, सीखा है ना, ये सब पैरेलल लाइंस है तो इनके स्लोप, अभी तो चलो मैं एक्स की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू भी दे दूंगा, जैसे एक्स इक्वल टू 3 या 5 कुछ भी दे दूंगा, तो स्लोप्स ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ, आएंगे। तो फिर ये सारे स्लोप्स किस किस कर्व्स के होंगे, अगर ये स्लोप्स बहुत सारे हैं तो कर्व्स भी तो बहुत सारे होंगे, तो आप मानते हो भाई आपको डेरिवेटिव स्लोप देता था तो इंटीग्रल आपको वो कर्व दे रहा है, आपको डेरिवेटिव क्या देता था, एक कर्व का स्लोप, तो आपको इंटीग्रल क्या देगा, स्लोप का कर्व, उल्टा काम करेगा ना, तो कर्व्स बहुत सारे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये वही तो कर्व्स हैं। तो ये चीज मैंने प्रैक्टिकली प्रूव करी कि एक फंक्शन के इंटीग्रल बहुत सारे हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी प्रूव करी, भाई अगर आपके पास एक कर्व है तो उसका स्लोप तो एक ही हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक स्लोप है तो उसके कर्व्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को एनसीईआरटी ने नेक्स्ट पेज पे बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है,
आई विल सजेस्ट कि उसको तो आपको देखना ही चाहिए। अभी मैं बीच की बात अभी ओमिट कर रहा हूँ, आऊंगा उस पर वापस, घबराओ मत। ये सारी बातें मैं बाद में आऊंगा। मतलब हम ऐसा इंट्रोडक्शन करेंगे आज कि कम से कम चीजें लिख के कल एक्सरसाइज वन पे आ जाए, है ना। मोटी मोटी बात को डिस्कस, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये सारे अभी जो मैंने बात बताई करीब करीब वही बात ये कह रहा है, ये सारी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है ना, है ना, बोलो। तो इन सबके स्लोप्स इक्वल है, तो इनके स्लोप से इनका कर्व निकालना है, तो कुछ ऐसा निकल रहा है, पहले का ऐसा, दूसरे का ऐसा, तीसरे का ऐसा, चौथे का ऐसा, पांचवा। तो ये सारे कर्व्स की इक्वेशन क्या है, किसी की एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, किसी की एक्स स्क्वायर प्लस टू, किसी की एक्स स्क्वायर प्लस वन, किसी की सिंपली एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। सबका डेरिवेटिव निकालोगे तो टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बताओ समझ आया क्या। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, बड़ी अच्छी बात कहने वाला हूँ। एक कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, क्वाड्रेटिक कर्व की बात कर रहा हूँ या किसी भी कर्व की बात कर रहा हूँ, तो दूसरा कर्व मिलता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है। लेकिन एक कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो एक कर्व नहीं मिल रहा, बहुत सारे कर्व मिलते हैं। उन सारे कर्व्स को बोला जाता है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या बोला जाता है? तो कहने का मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन की मदद से आपको एक कर्व नहीं मिलेगा, आपको ये सारे फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे। तो मैं ये बात लिख सकता हूं, क्या बात लिख सकता हूं मैं, कि व्हेन वी डिफरेंशिएट, व्हेन वी डिफरेंशिएट अ कर्व, व्हेन वी डिफरेंशिएट अ कर्व, व्हेन वी डिफरेंशिएट अ कर्व, वी गेट अनदर कर्व। दूसरा भी तो फंक्शन ही मिलता है ना, अब वो कई बार कॉन्स्टेंट मिल जाता है तो कॉन्स्टेंट भी तो फंक्शन ही है। वी गेट अनदर कर्व, बट When we, अब आप क्या करना, घर जाके वीडियो को पॉज कर करके मेन मेन जो नोट्स हैं इनको नोट करना। अभी आप इधर कुछ भी मतलब केवल तबियत से समझो चीजों को, ये मेन मेन जैसे नोट्स हैं इनको कहीं भी आप नोट कर लेना। बट वेन वी इंटीग्रेट ए कर्व, क्योंकि एक्चुअली इस चैप्टर में नोट्स लिखवाने के लिए है ही नहीं मेरे पास, मैं हर चीज को डिफरेंशिएशन का उल्टा करके बताऊंगा। तो लिखा है ना डिफरेंशिएशन में, क्या बताऊं आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ये बताऊं क्या, पता है ना आपको, तो कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा ही होगा ना, इसमें मैं क्या बताऊं। तो इसीलिए नोट्स नहीं है इसमें, हमको फाइल नहीं मिली ना, मैं सोच रहा था फाइल अच्छा डिलीट हो गई, लेकिन एक्चुअली फाइल है ही नहीं। सब कुछ एनसीईआरटी के रेफरेंस से पढ़ाया था इसको, बड़ा अच्छे से हमको समझ में आया था चैप्टर लास्ट ईयर। ठीक है, तबियत से समझो, घर जाके वीडियो को पॉज करके ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। जैसा भी मैंने कहा वो फैमिली ऑफ कर्व्स देता, मैं भी नोट कर लिया, जैसा भी लिख रहा हूं मैं। व्हेन वी इंटीग्रेट ए कर्व, वी गेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। इंटीग्रेशन से जो चीज मिलेगी ज्योमेट्रिकली, अल्जेब्रिकली तो बहुत सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, फैमिली ऑफ फंक्शंस मिल रहा है। ज्योमेट्रिकली बात करें तो फंक्शंस का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर्व ही तो होता है, तो वी गेट ए फैमिली ऑफ कर्व्स। वहां से एक ही कर्व मिलेगा, लेकिन इंटीग्रेशन से जो दूसरा कर्व मिलता है वो एक कर्व नहीं मिलता, वो क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व्स, हजारों ने अनगिनत, लाखों करोड़ों अरबों, ठीक है, जो कि एक दूसरे से विच आर Which differentiate each other. Differentiate का मतलब यहाँ पे वो differentiation process नहीं है, differentiate का मतलब यहाँ पे एक दूसरे से अलग होना भी differentiate होना, जैसे ये आप इससे कैसे differentiated हो, भाई आपने येलो पहना उन्होंने पिंक पहना, तो ये भी differentiation ही एक तरीके से difference बताना ना। Which are differentiated from each other, differentiated from each other by an arbitrary constant। यहां तक बात समझ में आ गई, जो कि एक दूसरे से वो फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे अलग होते हैं, आर्बिट्री। अभी अपन एग्जांपल लिया, एक का इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मतलब जिसकी इक्वेशन एक दूसरे से, अब ऐसे लिख सकते हो द इक्वेशन ऑफ विच इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। किसी के एक्स स्क्वायर प्लस वन, किसी के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, किसी के एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी, तो अलग अलग तो वो किससे होंगे, 100% एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे, जिसको हम जनरली कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कई बुक्स में कैपिटल ए भी लिखते हैं, बट यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने सी सजेस्ट किया, सी फॉर कॉन्स्टेंट, वेरी ऑब्वियस, तो हम वो यूज करेंगे। कई बार दो कॉन्स्टेंट यूज करने की जरूरत होती है तो सी वन सी टू लिखेंगे, आएगा इसी चैप्टर में, आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, किसी को कोई दिक्कत ना, पहले इंप्रेशन में समझ में आया इंटीग्रल मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब कुछ की टर्म्स से अपन शुरुआत करते हैं, फिर सीधे चलेंगे एक टेबल पे, वो टेबल याद कर लो, आद्या इंटीग्रेशन याद हो गया, अभी उस टेबल की बात करेंगे, आपके एनसीईआरटी में ही है, तो आपको कहीं से कुछ नोट भी करने, आपके नोट्स बना लेना आप चाहे से, बट ये वाली टेबल की बात कर रहा हूं, इस पर भी बात ना हो। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, अगेन
तो यार इस टेबल को देखो, सिंबल्स टर्म्स फ्रेसेस मीनिंग, इन चीजों को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ये आधे एक नंबर के क्वेश्चन रेडी होते हैं यहाँ से क्या होते हैं, आधे एक नंबर के। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा, सिंबॉलिक नोटेशन। सिंबॉलिक नोटेशन, फिर आता हूं इस टेबल पे। देखो, मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ, मैं उसी फंक्शन को बार बार लिख रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि समझने है अपने को स्टार्टिंग में, तो डिफिकल्ट फंक्शन नहीं ले रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, लिख सकते हैं अपन ये। तो इसको सिंबॉलिकली मैथमेटिकली कैसे लिखते थे, याद करो उसको, सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली कैसे लिखते थे कि अगर हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, या फिर चलो वाई को भी छोड़ो, हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते थे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। डेरिवेटिव के इंट्रोडक्शन में बताया था ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो अब जब मैं यहां से रिवर्स प्रोसेस में इंटीग्रेशन में आ गया, तो मैं लिखने वाला हूं क्या, क्या लिखने वाला हूं, इंटीग्रल ऑफ, क्या लिखने वाला हूं बोल तो जरा, 2x इज वॉट, गलत, अभी अभी तो बताया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस, वेरी गुड, 2x इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा हमको। तो इसको सर कैसे लिखूं मैं सिंबॉलिकली, तो डी, ध्यान से सुनना, यहां पे ये डी का मतलब होता था डेरिवेटिव, यहां पे डीएक्स का मतलब होता था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या होता था बोलना, तो डी फॉर डेरिवेटिव तो आई फॉर इंटीग्रल, डी फॉर डेरिवेटिव तो आई फॉर इंटीग्रल, और वो आई सीधा का सीधा नहीं लिख देते, वो आई सीधा का सीधा नहीं लिख देते, ऐसे ऐसे नहीं लिख देते, उसको लहरा के लिखते हैं ऐसे। ये आई है, ये आई है, किसका कर रहे हो साहब, 2x का कर रहा हूं मैं, विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, जैसे इधर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते थे, तो इधर भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, तो उसका उल्टा कर रहे हो, तो जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते थे वो डिनोमिनेटर में लिखते, मतलब डिवीजन में लिखते थे, तो डिवीजन का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो अब आप मल्टीप्लाई में लिखोगे और आंसर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस। ये तो है इंडेफिनेट, और जब डेफिनेट होगा तो इसके ऊपर नीचे भी कुछ चीजें लिखी जाती हैं, वो डेफिनेट आएगा जब देखेंगे, इसके ऊपर और नीचे अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखी जाती है, लेकिन अभी इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं ना, तो अपन अभी उस चीज पे फोकस नहीं करें। ये सिंबॉलिक नोटेशन समझ में आया सभी को, एक लहराता हुआ आई बनाएंगे, आई फॉर इंटीग्रल, फिर हम फंक्शन लिखेंगे तसल्ली से किसका इंटीग्रल चाहिए आपको, और उधर डीएक्स डिनोमिनेटर में लिखते थे, तो पूरा हर चीज रिवर्स चल रही है ना, तो जो चीज डिनोमिनेटर में आएगी वो अब न्यूमिनेटर में आएगी, जो चीज डिवाइड हो रही थी अब वो मल्टीप्लाई होगी, तो वो चीज जो डीएक्स डिवाइड हो रही थी दैट विल बी मल्टीप्लाइड, एंड आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सिंबॉलिक नोटेशन समझ में आया क्या, बोलो सबको समझ में आया अच्छे से, डी बाई डी एक्स का हम अब क्या कर देंगे, डी फॉर डेरिवेटिव था, डी एक्स फॉर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था, आई फॉर इंटीग्रल है, और डी एक्स आज भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, ये डी एक्स का मतलब आज भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही है, बस वहां पे डिवीजन में होता था, यहाँ मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स आप फंक्शन लिख के आगे इंटू डी एक्स लगा देना, बस दैट्स इट। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर फंक्शन दो तीन, मतलब बाइनोमियल ट्राइनोमियल है, लेटर से फंक्शन अभी मोनोमियल था, मतलब एक ही टर्म थी ना, मान लो फंक्शन बाइनोमियल है, जैसे कि 2x प्लस 5 दो टर्म्स का फंक्शन है, तो अब आप dx ऐसे मत लगाना, क्योंकि इसका मतलब होगा कि केवल 5 ही dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि dx तो पूरे के लिए है ना, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक ब्रैकेट लगाना पड़ता है ऐसे। इज दिस क्लियर, क्योंकि अब ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, dx सबसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे dx वहां पे सबसे डिवाइड हो रहा था, तो dx सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर है, बता सकता है इसका कोई इंटीग्रल, देखे ट्राई करो, 2x का, 5 किसका डेरिवेटिव है, 5x का, उल्टा सोचो ना यार, 5 किसका डेरिवेटिव है, और c तो लगना ही है, क्योंकि c की जगह कल को मैं 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, इन सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, अब उल्टा सोचना शुरू करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एक बार जोन में एंटर होते होते प्रॉब्लम को उल्टा कैसे सोचूं, एक ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा जिसका ये डेरिवेटिव है, एक ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री में भी सोचना पड़ेगा उल्टा उल्टा उल्टा, लेकिन फिर क्या होगा, एक बार जोन में एंटर हो गए ना, तो ऐसा हम घुल जाएंगे उसमें, कई बार तो इतना घुस जाते हैं कि डेरिवेटिव भूल जाते हैं, फिर मतलब आपका दिमाग इंटीग्रल में ही चलता है, मतलब अभी जैसे एक्स स्क्वायर, कोई कहा एक्स स्क्वायर, कैलकुलस में एक्स स्क्वायर दिमाग कहता है 2x, कैलकुलस में एक्स क्यूब दिमाग कहता है 3x स्क्वायर, तो अब इंटीग्रेशन में घुसोगे ना, तो कैलकुलस में कहेगा 2x, आपका दिमाग कहेगा एक्स स्क्वायर, तो इतना दिमाग इसमें उलझ जाता है कि अब 2x का एक्स स्क्वायर याद आता है, 2x का डेरिवेटिव 2 याद ही नहीं आता, देखो 2x का डेरिवेटिव तो 2 है और 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर है, दोनों ही बातें ना, मैं 2x यहाँ रख दूं, तो इसका डेरिवेटिव तो 2 है, तो
और इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर है। तो आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ दिमाग लगाना पड़ेगा, उल्टा प्रोसेस थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट तो होता ही है। अब चलते हैं टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है। देखो ये सिंबॉलिक नोटेशन, इंटीग्रल कोई भी फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स डीएक्स, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वेरी इजी, यही बताया मैंने अभी आपको, ठीक। दूसरी चीज, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेंड, क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेंड, क्या कहते हैं उसको, जैसे कि जब अपन डिवीजन करते थे बचपन में, जैसे मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो जो फंक्शन डिवाइड होता था उसको डिविडेंड कहते थे, जैसे हो ना, तो कोई बड़ी बात है कि आज इंटीग्रेंड कह देंगे, यानी ए एन डी तो वहीं लगेगा, ए एन डी तो वहीं लगेगा जिस पे चीज अप्लाई हो रही है, जैसे इस पे 4 पे अप्लाई हो रही थी, इस पे एफ एक्स पे अप्लाई हो रही है, तो इसमें क्या कह रहा है ये, एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स इन दिस सिंबॉलिक नोटेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, और डी के आगे जो चीज लगा हुआ है डी एक्स उसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। भाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन भी एक्स वाई टी आर्बिट्रेरी वेरिएबल सोच लिए थे ना टी पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो इधर भी आएंगे, इधर थोड़ा बच जाएंगे हम, इधर भी आएंगे, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करो उसको कहेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें कहते थे वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें क्या कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम ना, इंटीग्रेट करके कोई क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, दैट मींस, हाँ सर भूल गया मैं तो अब उधर मतलब इससे पढ़ाओगे क्या, चलो तो 2 मिनट रुको बस। ओके चलो देखो देखो 2 मिनट में फ्री कर रहा हूँ। हाँ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कभी करके कोई भी चीज कह दे तो फिर क्या, इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल का पता करें, फाइंड द इंटीग्रल, जैसे डिफरेंशिएट का मतलब होता है फाइंड द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है फाइंड द डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेट का मतलब हो जाएगा फाइंड द इंटीग्रल, ठीक है। अब एफ का इंटीग्रल, जैसे अपन एफ का डेरिवेटिव कहते थे, एफ एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव कहते थे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या कहते थे अपन, एफ डैश एक्स कहते थे, तो एक तरीके से एफ डैश एक्स का इंटीग्रल ये होगा। लेकिन देखो मेरी बात सुनो भाई, आपको मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो अब जब मैं उल्टा प्रोसेस करूंगा, ध्यान से सुना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जब मैं उल्टा प्रोसेस करूंगा तो मैं ऐसे थोड़ा ना कहूंगा कि यार एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, अरे ये भी तो एक फंक्शन है ना, तो उसको मैं डैश लगा के क्यों कहूंगा, मैं तो उसको फंक्शन का ही रूप दूंगा ना, मैं क्यों बताऊंगा कि ये डिफरेंशिएट होके आया है कहीं से, समझ आई बात, क्लियर है। जैसे अपन साइन एक्स करते थे तो एक वैल्यू आती थी, लेकिन साइन इनवर्स करने पे ऐसा थोड़ा ना कि हम एंगल लगा रहे हैं बीच में, वही एक्स ही लगाया ना, फंक्शन का रूप तो एक्स में ही दिया जाता है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका उसका इसका इंटीग्रल जो फंक्शन होगा वो एक ऐसा फंक्शन होगा, ए फंक्शन एफ, एफ कैपिटल करके, मतलब एफ कैपिटल एफ नाम का एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन बनाया जाए, ठीक है। लास्ट के तू देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, इंटीग्रल पता करने का प्रोसेस इंटीग्रल इंटीग्रेशन कहलाता है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, वही सी, और ये रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, है ना, कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट फंक्शन, और ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरी टेबल समझ में आई, अब अपन उस क्लास में चलते हैं और एक टेबल के बारे में और जिक्र करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आज इतना ही करेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए पॉज करके वापस आते हैं ना। ओके सो दिस इज इट, ये टेबल सबसे मतलब सबसे इजी टेबल है इस चैप्टर को समझने के लिए, चैप्टर है क्या ना। अच्छा आधे नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बन, व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, देखो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, एक दूसरे का वाइस वर्सा है ना, डिफरेंशिएशन क्या होगा इज इंटीग्रेशन। तो देखो कई बार एंटोनिम पूछता है आपसे, पूछे मैं आधे एक नंबर में, तो डिफरेंशिएशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन,
और डेरिवेटिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटीग्रल. इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल. यानी कि क्वेश्चन पहले आते थे फाइंड द डेरिवेटिव, अब आएंगे फाइंड द इंटीग्रल. तो डेरिवेटिव पता करने के लिए आप डिफरेंशिएशन करते थे फंक्शन का, इंटीग्रल पता करने के लिए आप जिस प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन. ओके फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. एक टेबल है हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत, ठीक है. ये क्या कहता है कि हम डिफरेंशिएशन करके आए हैं भारी भरकम, ठीक है, और बड़े अच्छे लेवल से करके आए हैं. तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके हमको डायरेक्ट डेरिवेटिव्स याद हैं. तो पहली नजर में हम इंटीग्रेशन उसी डेरिवेटिव्स का उल्टा कर करके सीखेंगे. हालांकि एंड तक हमारा काम नहीं चलेगा इस टेबल से, एंड तक इस टेबल से हमारा काम नहीं चलेगा. इस टेबल के अलावा बहुत सारी चीजें जो करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैंने आपको कहा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में कहा, आपने सीख लिया. तो अब मैं आपसे कहूंगा कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा, नहीं माइनस साइन एक्स क्यों होगा, उसका माइनस कॉस एक्स थोड़ी ना है, ठीक है. अभी चीजें उल्टी चल रही हैं, ठीक है. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का ये तो डेरिवेटिव हो गया, ये तो हो गया डेरिवेटिव, और ये हो गया मेरा इंटीग्रल. तो मैंने अगर आपसे कॉस एक्स का इंटीग्रल पूछा तो आपने साइन एक्स कैसे बता दिया? ऐसे बता दिया सर, क्योंकि मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव याद था, ठीक है. अब मैं कहूं बेटा इसका बताना, जरा ध्यान से सुनना, चीज को पकड़ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैंने कहा इसका बताना जरा, साइन एक्स गुणा कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रल बताना जरा. तो आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स की इंटीग्रल बता दो. क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको ऐसा फंक्शन याद ही नहीं है जिसका ये डेरिवेटिव. समझ में? मैंने कहा कॉस एक्स का इंटीग्रल बताओ, फट से बता दिया साइन एक्स. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा फंक्शन, आपने सोचा कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रल जवानी याद है. तो आपको थोड़ा मुंह जबानी याद है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होता होगा दुनिया में जिसका ये क्या है, डेरिवेटिव है. हालांकि है तो सही ऐसा फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन कोई ना कोई तो इंटीग्रल होगा ही होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है सर. तो एक तरीका तो है कि डेरिवेटिव के उल्टा याद रखना, इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है. बार बार डिस्कनेक्ट क्यों रहा? हाँ, एक तरीका तो है डेरिवेटिव का उल्टा याद रखना, और उसके बाद तो उससे काम नहीं चला ना, मतलब इस फंक्शन तक तो काम चल गया वो टेबल याद करते ही, लेकिन इसमें फेल हो गए ना. दैट मीन्स और टेक्निक्स चाहिए आपको इंटीग्रेशन करने की, और टेक्निक्स भी, जैसे डिफरेंशिएशन की और टेक्निक्स होती थी, पैरामेट्रिक फॉर्म, dy/dt, dy/dt, टेक्निक्स भी तो थी, तो वैसे इधर भी चाहिए, और उनसे दुगनी तिगनी नंबर ऑफ टेक्निक्स है यहाँ पे, क्योंकि उल्टा प्रोसेस ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है. तो पहली इंप्रेशन में या पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज तक तो वो टेबल काम करेगी बढ़िया, क्योंकि फंक्शन ही ऐसे देगा cos x, फिर वो लेवल बढ़ाएगा, तो फिर उन टेक्निक की बात करेंगे. क्लियर है? तो पहले हम उन फंक्शंस का उल्टा कर करके इंटीग्रल याद करते हैं. फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि 50% ये कवर कर देती है, क्योंकि उसके बाद याद करने की कम चीजें हैं, टेक्निक वाइज ज्यादा चीजें हैं. तो ये याद कर लेंगे तो आधा इंटीग्रेशन में कह सकता हूँ. कोई बच्चा इसको याद कर लेना पहले ये एक्सरसाइज की टेबल को, और पूरा चैप्टर भी छोड़ देना, तो वो इंटीग्रेशन के चैप्टर में आधे मार्क्स तो ला सकता है. अगर 10 नंबर के क्वेश्चन है तो 5 तो ला सकता है, क्योंकि आधे इसी पे डिपेंड करते हैं, और आधे फिर फर्दर मोर टेक्निक्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, समझ आई बात? एंड आयुषी, आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जो सबके लिए है. क्यों? क्योंकि इसमें अगर किसी को डेरिवेटिव याद नहीं है तो वो भी याद हो रहा है. अगर किसी को डेरिवेटिव याद नहीं है, इनकेस डेरिवेटिव में ध्यान नहीं दिया, भी जैसे आज का कशिश आई नहीं, कशिश को अगर ये डेरिवेटिव याद नहीं होते तो ये भी याद हो जाता. ठीक है ना? तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. देखो, हम एक एक करके रीड आउट करना शुरू करते हैं. देखो, मुझे एक चीज बताओ, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा, इस वाले फंक्शन का मैं डेरिवेटिव, तो एन प्लस वन तो नीचे कॉन्स्टेंट है, ऐसे कैसे रह जाएगा? और एक्स इंटू एन प्लस वन जब मैं करूंगा तो एन प्लस वन पावर नीचे आ जाती है, आ गई, मल्टीप्लाइड बाय एक पावर कम हो जाएगी, तो एन प्लस वन में से एक कम हो गया तो क्या आया? एन. एन प्लस वन से एन प्लस वन कटा. अच्छा, ये एक्स की पावर है ना. हाँ सुनो, इंटू, सर को गुस्सा आ गया, लड़ाई नहीं कर रहे, सर ने भगा दिया, बाहर खड़े थे. देखो, एन प्लस वन तो नीचे था ही सही, ये एन प्लस वन पावर नीचे आ गई, अब एक्स की पावर कितनी रह गई? एन ही रह गई, ये तो कट गया. तो इसका डेरिवेटिव यह कह सकता हूं
तो फिर इसका इंटीग्रल ये है, कह सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला बन गया साहब, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन ये होता है। और प्लस सी तो सब में ही लगेगा, प्लस सी तो सब में ही लगेगा, यहाँ पे पावर बस माइनस वन मत ले लेना, क्यों पावर माइनस वन लेते ये जीरो बन जाएगा, वो तो इसको डिफाइन करने के लिए कह रखा है। तो यहां से अब जो फॉर्मूला, हर एक पॉइंट से दो दो फॉर्मूला याद करते चलो। यहां से फॉर्मूला मुझे ये याद हुआ सर कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता था एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल सर ये होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। आप देखो उल्टा प्रोसेस चल रहा है, ध्यान से सुनो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो पावर को नीचे लाते थे, मल्टीप्लाई कराते थे, और एक कम पावर को, नहीं एग्जैक्टली उसी पावर को, सॉरी एग्जैक्टली उसी पावर को हम क्या करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक ज्यादा पावर से डिवाइड कराएंगे। खुशी यहां ध्यान दो, एक एक ज्यादा पावर से क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। वहां पे हम क्या कराते थे, एक कम पावर से मल्टीप्लाई, उल्टा करो, एक कम पावर एक ज्यादा पावर मल्टीप्लाई डिवाइड, उल्टा हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, एक कम पावर हो रही है और एक ज्यादा पावर, समझ आया यहां तक क्लियर है। दूसरी चीज, जो आंसर आता था उसमें एक्स की पावर कम हो जाती थी, अभी बढ़ गई। जो फंक्शन का आंसर आता था, ये तो कांस्टेंट वाली बात हो गई, 3, 2, 5, 6, ये तो कांस्टेंट है। अब एक्स क्यूब होता था तो एक्स स्क्वायर हो जाता था, एक्स टू द पावर 5 होता था तो एक्स टू द पावर 4 हो जाता था, एक्स टू पावर 10 होता था तो एक्स टू पावर, ओके हेलो हेलो ओके देखो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये इसका डेरिवेटिव और ये इसका इंटीग्रल। डेरिवेटिव में पावर एक कम हो जाती है, इंटीग्रल में पावर एक बढ़ जाती है। कांस्टेंट से इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर कांस्टेंट से डिवाइड होता है, कांस्टेंट से इधर मल्टीप्लाई होता है। एक एक एग्जाम्पल लेते जाते सबका। लेट अस से मैंने कहा कि मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ, तो क्या बताओगे आप, 3x2। मैंने कहा एक्स क्यूब का इंटीग्रल बताओ, एक्स एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब का इंटीग्रल बताओ। तो आप पावर तो बढ़ा दो एक, जैसे वहां 3 की 2 कर दी तो यहाँ 3 से 4 कर दो, और उधर 3 से गुणा करा रहे हो, इधर 4 से डिवाइड कर रहे हो। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये इन दोनों पावर में डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये दोनों पावर सेम होती है, सेम हो जाती है, बस इतना फर्क जरूर होता है। अच्छा अब आप इसका उल्टा करके देखो, आप इसका फिर से डेरिवेटिव करके देखो क्या ये आता है क्या, ये भी चेक करने का तरीका है। आपने इंटीग्रल निकाली, इसका फिर से डेरिवेटिव करके देखो। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1/4 तो कॉन्स्टेंट, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव नहीं जानते क्या आप, 4x³, ये लो साहब। तो ये टेक्निक से आप वापस चेक कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, अब जब इंटीग्रेशन सीख रहे हो तो। इज दिस क्लियर? तो पहला जो रूल है दैट इज द रूल फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट इज द रूल फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन को डेरिवेटिव या इंटीग्रल करने का रूल। और इससे आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को, पॉलिनोमियल होता है एक्स एक्स की पावर कुछ और फिर कांस्टेंट, किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो और इंटीग्रल भी निकाल सकते हो। अब इसमें पर्टिकुलरली चले जाएं एक्स की पावर 1 ही ले लें, मतलब इसका पर्टिकुलर केस आ गया, तो एक्स की पावर 1 यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता था, सही था। तो फिर मुझे बताओ, देखो इधर देखो, इसको थोड़ा सा ये एक बार में समझा दूंगा तो ऐसा लगेगा कि क्या हो गया। देखो इधर देखो, कई बार चीजें क्या लिखी लिखाई कम समझ में आती है, लिखने के बाद समझ में आती है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखना ध्यान से, वही चीज लिख रहा हूँ लिखने में, तो एक्स आपसे कह देगा तो आप कह दोगे 1, तो अब 1 का इंटीग्रल ये होगा। कैसे लिखूंगा मैं इसको साइंटिफिक उसमें मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखूंगा, इंटीग्रल 1 डॉट या इंटू, इसका मतलब इंटू है, डी एक्स इक्वल टू एक्स और 1 इंटू डी एक्स डी एक्स होगा, तो इसको मैं सीधे सीधे लिख दूंगा, प्लस सी तो लगेगा जो लगेगा, समझ आया। तो जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 सीधे सीधे याद है, कुछ सोचना नहीं होता था, एक्स जहां भी आता था 1 लगाते थे, तो आगे इंटीग्रेशन के चैप्टर में जहां पे अकेला डीएक्स दिख जाए तो वो एक्स बन जाता है, अकेला डीएक्स मतलब 1 इंटू डीएक्स, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, मतलब 1 किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स का डेरिवेटिव होता है, समझ आया। तो ये इसका पर्टिकुलर केस बन गया, चीज वही हो रही है बस ये इसका पर्टिकुलर केस बन गया कि इंटीग्रल डीएक्स एक्स होता है। ओके फाइन, यहां तक क्लियर है। ओके अब आ जाओ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंड 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद हैं तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स भी याद हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी, मतलब 12 ट्रिग्नोमेट्रिक एंड 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके देखना ध्यान से, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता था तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। ओके अब सुनना जरा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, तो उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है, कह सकता हूँ। तो
तो उससे साइन एक्स का इंटीग्रल क्या मिला? सर आप उल्टा क्यों कर रहे हो? अगर मैं सीधा चलूंगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखना ध्यान से। अगर मैं कहता हूं डी बाय डी एक्स ऑफ, देखो एक केस तो मैं ये ले रहा हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू सॉरी हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और यहां से मैं इसका इंटीग्रल कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट कॉस एक्स प्लस एक, ठीक है ये कर रहा हूं। तो इससे तो आपको माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल याद हुआ ना, आपको तो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल याद करना है, तो नेगेटिव करके थोड़ा याद रखना है, आपको तो पॉजिटिव करके याद रखना है ना। तो पॉजिटिव करके याद रखने के लिए फिर मैंने क्या करा, उधर उल्टा कर दिया, इधर माइनस इधर लगा दिया, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव याद रख लिया, तो फिर साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल याद हो गया माइनस कॉस एक्स। इज दिस क्लियर? क्लियर है, क्योंकि प्रोसेस तो उल्टा हो रहा है, लेकिन सर आप वहां तो है ना, वहां तो आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव याद कराया था आपने, अब माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी याद करा रहे हो, ताकि इंटीग्रल प्लस साइन एक्स का याद हो जाए, ताकि इंटीग्रल प्लस साइन एक्स, ठीक है क्लियर है। ओके तो दो डेरिवेटिव याद हुए और इंटीग्रल याद हुए, बोलो पहला इंटीग्रल क्या याद किया हमने, कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, फिर एक बार छह हो जाए, फिर एक बार मैं एक टेक्निक भी बताऊंगा। अच्छा जी टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स याद करा था, तो उल्टा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल याद हो गया, मैं कहूँ सेक एक्स का इंटीग्रल बताओ, नहीं याद हुआ, क्योंकि सेक ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिसका डेरिवेटिव सेक एक्स होता हो, मतलब है तो सही डायरेक्ट याद नहीं मुझे, तो टेक्निक में काम करेगा फिर। अब कोई आपसे कहे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल बताओ तो पहली टेबल से बता सकते हो, लेकिन कोई आपको कहे sec x का डेरिवेटिव बताओ, आगे सर टेक्निक है सीखेंगे बाद में बताएंगे, टेबल वाइज याद नहीं है ही नहीं ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव sec x डायरेक्ट होता हो, तभी तो उसका इंटीग्रल बता पाते, समझ आया ठीक है ना। ओके आ जाओ अब सुनो, वापस नेगेटिव में आ गए, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x होता था, तो अब ये माइनस इधर लगा के इधर प्लस लगा दूं, तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, तो उल्टा करो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा। भाई हम इंटीग्रेशन नेगेटिव का क्यों याद रखें, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, ताकि इंटीग्रल पॉजिटिव चीज का याद रखने में आ जाए, ठीक है। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, ठीक है, सेक एक्स का होता था डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो उल्टा कर दो एज इट इज, भाई जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उसमें तो एज इट इज उल्टा ही करना है, जैसे साइन कॉस पॉजिटिव तो कॉस साइन कर दो, जैसे टेन सेक टेन स्क्वायर टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स उल्टा कर दो, उसी तरीके से सेक एक्स का क्या होता था सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स, और सी तो लगाना ही, वो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मैंने बताया था, वेरी सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ, मुझे पता है कि cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cos x होता है, लेकिन ऐसा अगर याद करूंगा तो मुझे नेगेटिव का इंटीग्रल याद करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं मैं पॉजिटिव का इंटीग्रल याद करूं, तो मैं क्या कर देता हूं ये माइनस यहां लगा देता हूं प्लस यहां लगा देता हूं, तो cosec x माइनस cosec x का डेरिवेटिव cosec x cot x याद हुआ, तो cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cosec x याद हो गया और प्लस सी तो लगना ही लगना है, ठीक है। अब छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ध्यान से देखिए, चलो ऐसे देखिए छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाले याद करो हैंड टू हैंड, जो अभी याद होगा वही याद होगा, डेरिवेटिव्स को याद है सबके, उल्टा भी याद कर लोगे, बस प्रॉब्लम अगर कहीं आएगी तो नेगेटिव साइन की आएगी, प्रॉब्लम अगर कहीं आएगी तो नेगेटिव साइन। तो देखो वहां पे मैंने ऐसे याद करवाया था, अगर आपको याद हो कि सी 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 वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव, अब मैं क्या याद करा रहा हूं, ऐसे फंक्शन जिनका इंटीग्रल सी 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 हो वो नेगेटिव कर देना, इंटीग्रल मतलब उधर तो मैं याद कराता था ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है ये क्वेश्चन है, तो उधर मैं ये याद कराता था कि क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव आ जाए, मतलब ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा ना, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस, क्वेश्चन के अंदर सी सी आ जाए, क्वेश्चन के अंदर सी 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 आ जाए तो आंसर नेगेटिव 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 होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जिसका आंसर सी की फॉर्म में हो उनको नेगेटिव कर दो बस, जिसका आंसर सी की फॉर्म में हो, जैसे मैंने कहा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस तो होता है, अब आंसर सी में आ गया, सॉरी इंटीग्रल बार बार डेरिवेटिव निकल रहा है अभी जोन में घुस रहे हैं, धीरे धीरे मैंने कहा साइन एक्स का इंटीग्रल, तो साइन एक्स का इंटीग्रल आपको ये तो याद रह जाएगा कॉस एक्स है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव भूल जाओगे, तो आंसर इंटीग्रेशन में आंसर डेरिवेटिव में क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर सी की फॉर्म में आ रहा है नेगेटिव लगा दो बस, इज दिस क्लियर, बाकी उल्टा तो करना ही है सब में। तो यहां तक याद हुआ, तो कितने फॉर्मूले याद हुए, एक पॉलिनोमियल फंक्शन छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, छह ट्रिग्नोमेट्री के बाद याद आती है छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जो सीधे सीधे हैं उल्टा कर रहे हैं वो तो याद हो जाएंगे, और बाकी फिर अब जैसे मैं कहूं जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, देखो साइन इनवर्स एक्स का पहले फंक्शन से एक चीज समझना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है दिस वन, दिस वन,
तो इस चीज का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स हो जाए। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल क्या होगा ये नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये तो टेक्निक से निकाला जाए। इस चीज का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होगा वही बता सकता हूँ इस टेबल के जरिए, तो क्योंकि इस टेबल में तो वही चीजें हैं जो डिफरेंशिएशन में सीखी है, बस उल्टी कर रहे हैं। समझ आई बात? अब ऐसा कोई फंक्शन सर आपने डिफरेंशिएशन में सिखाया ही नहीं जिसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स होता हो, सिखाते तो मैं आज साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल करने के लायक होता, क्योंकि इतना छोटा सा थोड़ा कि सिखा दें, बड़ा सारा। और सीखेंगे अभी इस साल सीखेंगे, सब सीखेंगे साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रल करवा के फिर डायरेक्ट याद भी करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं करवा सकते, उसके लिए कुछ टेक्निक सीखनी है, वो उस पर काम करना पड़ेगा। ओके क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 होता था, लेकिन वही टेक्निक अपना रहे कि इधर नेगेटिव लगा के इधर पॉजिटिव लगा रहे हैं ताकि इधर फिर पॉजिटिव का बने। तो देखो एक चीज पकड़ में आई, इसके दो दो इंटीग्रल, सेम फंक्शन है, एक बार इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स एक बार इंटीग्रल कोसाइन, क्या करेंगे सर? लेकिन अगर कॉस इनवर्स एक्स गलत होगी तो फिर माइनस सी का आंसर तो माइनस नहीं आएगा, ये तो फिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक में भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी, आंसर में सी आ गया। सारी प्रॉब्लम आज नहीं है। हाँ आंसर में सी आ गया, पुट ए नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन में सीधा सा फंडा ट्रिग्नोमेट्रिक में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो या इनवर्स ट्रिग्नो, आंसर में सी आ गया, पुट ए नेगेटिव साइन। ठीक है आ जाओ, इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सब जानते हैं ये होता है, तो इस चीज का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? अब देखो ये डीएक्स, आप कहोगे सर इधर तो वन है इधर डीएक्स है, अरे तो इंटू डीएक्स था ना, वन इंटू डीएक्स था ना, तो वन इंटू डीएक्स को डीएक्स लिख दिया, वन इंटू डीएक्स को क्या लिख दिया? डीएक्स लिख दिया, बोलो खुशी समझ आया? तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। अब आ जाओ, ये प्लस था ये माइनस था, तो अब इसको माइनस कर दिया तो वो प्लस हो गया, तो इसका अगेन दूसरा इंटीग्रल आ गया ये। तो आपको जहां जहां टेन इनवर्स एक्स की जरूरत होगी वहां ये यूज करना, जहां जहां कॉट इनवर्स एक्स की जरूरत होगी तो आप क्या कर दोगे? माइनस कॉट इनवर्स, क्या कर दोगे आप? माइनस कॉट, और प्लस सी तो चलेगा ही चलेगा, प्लस सी तो चलेगा ही चलेगा। चलो आखिरी के दो याद है, आखिरी के दो का साइन कॉस टेन कॉट, सेक और कॉसेक के मतलब सेक इनवर्स एक्स एन क्या था? वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो ऐसी कोई चीज दिखाई देगी, तो ऐसी कोई चीज दिखाई देगी तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स, कोसेक में तो नेगेटिव, ठीक है ना, सीधे सीधे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, तो सी आ गया तो नेगेटिव लगा देना, जैसे यहाँ पे सी आ गया तो नेगेटिव लगा दिया, सी आ गया तो नेगेटिव लगा दिया, तो उसमें भी अगर कोसेक लिखोगे, अगर आप कोसेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो उसका इंटीग्रल, तो फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो सिंपली सेक इनवर्स एक्स। ठीक है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, और फिर आखिरी के बस वो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा उसका भी देख के खत्म करेंगे, और एक आध एग्जाम्पल करते हैं, बाकी कल से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। ऑब्वियसली आज का आपका होमवर्क यही, दो टेबल याद करके आओ, दो क्या मेन, तो ये टेबल याद करके आओ, और स्कूल में किया है तो थोड़ा बहुत याद किया ही होगा आपने, नहीं किया? देखो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो ऐसी किसी चीज का इंटीग्रल ये होगा, लेकिन वही फिर इधर अगर मैं प्लस लगा दूं तो इधर माइनस, तो उल्टा कर दूं तो इधर माइनस इधर प्लस, तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो इसका इंटीग्रल कोसेक इनवर्स एक्स की फॉर्म में माइनस में आएगा, सेक इनवर्स एक्स की फॉर्म में तो प्लस में आएगा, और कोसेक इनवर्स एक्स की फॉर्म में क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है अब तीन फंक्शन हो रहे हैं मेरे पास, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये तो कैसा है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, और ये सिंपली कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना? तो इनके डेरिवेटिव सीखे थे हमने, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई टू द पावर एक्स, इससे सरल तो शायद ही कुछ होता हो, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई टू द, लेकिन प्लस सी को मत भूल जाना, ठीक है? ओके लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स। अब सुनना मैं यहाँ पे लॉग एक्स का इंटीग्रल नहीं बता रहा हूँ, बता ही नहीं सकता डायरेक्ट, लॉग एक्स का इंटीग्रल, इंटीग्रल नहीं बता रहा हूं मैं, इस टेबल में है ही नहीं कहीं लॉग एक्स का इंटीग्रल, लॉग एक्स का तो डेरिवेटिव है, 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स है, लेकिन कई बार क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाता है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लॉग एक्स, बच्चा बढ़िया लिख के आता है 1/x और हो जाता है गलत, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद ही नहीं किया जा सकता, टेक्निक से आएगा, ठीक है ना? तो बस उल्टा याद तो कर रहे हो, लेकिन बड़ा संभल के चलना है भाई, बड़ा संभल के चलना है आपको, एक बार एक पहली दूसरी एक्सरसाइज को करने के लिए तो आपको पुरानी चीजें याद करनी पड़ेगी, जैसे कोई भी फंक्शन आएगा तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव क्या था, तो इसका इंटीग्रल ये होगा, ये प्रोसेस माइंड में चलानी पड़ेगी, और चला के ही करना, बिना चलाए मत करना, मैं खुद कह रहा हूँ पहली दूसरी एक्सरसाइज में, तो ये प्रोसेस माइंड में चलाना, कोई भी फंक्शन आए तो आप ऐसे सोचना इसका डेरिवेटिव क्या था, फिर उसका इंटीग्रल लिखना। जैसे मैंने लिख दिया कि
इंटीग्रेशन 1/x dx. तो आप ऐसा सोचना, 1/x किसका डेरिवेटिव था, log x का डेरिवेटिव था, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x प्लस c, तो लगाना ही. अब मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन log x, तो आपके माइंड में प्रोसेस ये चलनी चाहिए, ऐसा कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव log x था, ऐसा फंक्शन बताया नहीं सर ने, दैट मींस डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, टेक्निक से आएगा. ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, इधर आ जाओ. अब देखो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, इसको थोड़ा सा सिस्टम समझो. a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a टू द पावर x इनटू log a, नॉट x, a कांस्टेंट आता, log a, मैं भी देखो x ही लिख रहा हूं, log a कांस्टेंट आता था, आता था, तो इसको उधर लेके जा सकता हूं. तो इसका मतलब है कि इस log a को तो कांस्टेंट है उधर ले जाऊं, तो d by dx ऑफ a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a क्या होता है, a टू द पावर x होता है. तो अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा. ठीक है, तो यही इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a का डेरिवेटिव ये होता था, तो a टू द पावर x का इंटीग्रल ये हो जाएगा. तो बड़ी आसान सी चीज है, देखो अब इसको एक ही बार में याद करवाऊं, बड़ी आसान सी चीज है कि a टू द पावर x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये करेंगे a टू द पावर x इन टू log a, लेकिन a टू द पावर x का ही जब इंटीग्रल करेंगे तो a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सेम आज भी है, ये सेम आज भी है, और e टू द पावर x में तो बिल्कुल सेम है, समझ में आया? बस log x वाले में याद रखना है ना, log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, इट विल बी डन बाय ए टेक्निक आगे फर्दर इन द फिफ्थ सिक्स. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, इनका डेरिवेटिव डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, वी विल डू परफॉर्म इट बाय लेटर टेक्निक्स, है ना, फिफ्थ सिक्स एक्सरसाइज में आ जाएगी वो टेक्निक्स. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो तो बताओ देखें कितना याद हुआ, बोलो. sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन, थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं मैं, बोलो सब लोग पार्टिसिपेट करो, क्या आएगा, 10x, बिकॉज इंटीग्रेशन चालू ही नहीं कर सकता जब तक ये टेक्निक नहीं आती. ठीक है, आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके या टेबल नोट कर लेना, और आप भी टेबल नोट करना. ठीक है, और कुछ नोट्स में बनाओ मत बनाओ, ये टेबल तो नोट करना ही करना है ना, और अपने आप बनाने की कोशिश करना, एक बार वीडियो देख लिया, पॉज कर लिया, बंद कर दिया, अब अपने आप टेबल बनाओ पूरी की पूरी. एक पॉलिनोमियल फंक्शन, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी 6 और 1 7, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 और ये 3, टोटल कितने हो गए, 6 6 12 और 16 ट्रिग्नो, ये फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन अपने आप बनाने की कोशिश करना, पहले डेरिवेटिव बनाना फिर इंटीग्रेशन बनाना. चलो एक आधो ट्राई करते हैं, लेट मी टेल, वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन बोलो इसका, दो है ना, sec square x नहीं, sec inverse x, तो दिक्कत आएगी शुरू में. और अगर उस c वाली फॉर्म में लेके जाएं, यस जी, ओके, एक और लास्ट, sec x tan x, गलत, ओनली sec x, ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो ओनली सेकंड्स. ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ही आ रहे हैं दो दो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक में तो सिंगल सिंगल ही है, देख लो भाई. तो कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट लेके चलो, कैसे, अच्छा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में दो दो इंटीग्रल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो एक ही इंटीग्रल है ना, देखो कि जितने भी हमने देखे तो ये दो दो इंटीग्रल्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, बाकी छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसमें तो सिंगल सिंगल ही है, बस वो प्लस माइनस साइन का तो फर्क है ही सही. ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, अब सुनो, चलो बोलो. अच्छा जी, एक चीज तो बताना भूल ही गए, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल का एक साइंटिफिक नेम निकाल दिया, एंटी डेरिवेटिव. एंटी मतलब क्या होता है, वैसे पहली बार में बताना चाहिए था, गलती है बताया नहीं, किसी भी चीज का उल्टा होता है एंटी. ठीक है ना, जैसे करप्शन एंटी करप्शन, तो डेरिवेटिव वायरस एंटी वायरस, तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या सीखा अपने, एक नाम दे दिया इंटीग्रल, बट इट इज एक्चुअली एंटी. तो कल को ये आ जाए एंटी डेरिवेटिव बताओ, अरे सर ने तो बताया नहीं, अरे इंटीग्रल बताया तो है. और अभी जो ये टेबल की मदद से अपन, टेबल की मदद से अपन इंटीग्रल निकाल पाए हैं, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आप उनका डेरिवेटिव बता सकते हो, उनका इंटीग्रल बता सकते हो जिन फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है. ठीक है, अब देख, जैसे कि पहला फंक्शन है cos 2x, देखो कैसे बताओगे, क्या पहला फंक्शन है cos 2x, देखो कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन cos 2x, इंटीग्रेशन cos 2x dx. तो चलो 2x को भूल जाओ,
इसको ट्रीट करो कॉस एक्स की तरह, इसको ट्रीट करो कॉस एक्स की तरह, एक बार इसको फाइनली छोड़ दो, इधर इधर आ जाओ कॉस एक्स की तरह। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है? तो इसका आंसर आप साइन एक्स प्लस सी लिख दोगे, लिख दोगे। तो जब कॉस एक्स से साइन एक्स बना तो कॉस टू एक्स से साइन टू एक्स नहीं बनेगा क्या? ये भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही है, प्लस सी, बट प्लस सी बाद में लगाऊंगा। बट जब मैं डेरिवेटिव करता था तो अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करता था, उस फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करता था, आज इसी फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दूंगा। तो 2x का डेरिवेटिव सोचना, इंटीग्रल मत सोचना, 2x का डेरिवेटिव ही सोचना, क्योंकि पहले उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन सपोज करो मैं आपको कहूं d by dx of cos 2x कहो, तो आप क्या करोगे? पहले तो cos 2x का डेरिवेटिव कर दोगे, क्या होता है माइनस साइन 2x, और फिर मल्टीप्लाई करोगे चेन रूल से 2x के डेरिवेटिव से, टू यही करोगे। तो आप 2x के डेरिवेटिव से गुणा करा रहे हो, आज आप 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करा देना, आंसर प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कोई टेक्निक नहीं चल रही, उल्टा करके सोच रहे हो आप, है ना। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ, फीलिंग ले लो बस पहले से। 3x स्क्वायर प्लस वही, तो काफी सरल है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया सीधा सीधा। 3x स्क्वायर प्लस 4x, या तो आप डायरेक्ट सोचो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, x क्यूब होता है ऐसा फंक्शन, ऐसा फंक्शन x क्यूब होता है, और 4x टू द पावर 4 का क्या होता है, x टू द पावर 4। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट इंस्पेक्शन पे आ गया। चलो बिल्कुल ही ना चलें, थोड़ा बहुत चलें, थोड़ा बहुत लॉजिक से चलें। तो अपन एक काम करते हैं, 3 को तो 3 लिख देते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए आपको, ये इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, ये ऑपरेटर लगाना मत भूल जाना ना, इसका x स्क्वायर का क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रल कर रहे हैं। तो अभी अभी क्या बताया था, x टू द पावर n का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, और डिवाइड भी इंटीग्रल में तो बहुत सरल सी चीज है कि जो इधर है वो इधर है ना, ठीक है। तो 3 से 3 खत्म, बना तो वही x क्यूब, इधर आओ 4 को 4 लिख दो, अब x क्यूब के साथ करो, तो एक पावर बढ़ानी है, बढ़ानी है, आंसर तो यह है x क्यूब प्लस x टू द पावर 4, और c तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट, 1 बाई x log x, आप ऐसा फंक्शन सोचो, मैंने कहा कि 1 बाई x dx करो, तो ऐसा फंक्शन सोचो log x प्लस c, ठीक है ना। सो अभी अपन ने ये तीनों क्वेश्चंस किससे किए, देखो क्या कह रहा है, वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज cos 2x, हम cos 2x का इंटीग्रल करना चाहते हैं, तो हम ऐसा फंक्शन सोचते हैं जिसका डेरिवेटिव cos 2x होता है, तो फंक्शन निकल गया sin 2x, ठीक है। अब मुझे पता है sin 2x का डेरिवेटिव ये होता है, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो फिर इस 2 से यहां पे डिवाइड कराना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देखो, ये लोग तो प्लस सी लिख ही नहीं रहे, तो देखो उसका आंसर सुनो, वैसा उसका कारण सुनो, क्यों उसका कारण सुनो, राइट एन एंटी डेरिवेटिव, अच्छा क्वेश्चन किया खुशी आप, उसके एंटी डेरिवेटिव में से एक कोई भी बता दो, तो एक कोई बता दिया ना, ये यहाँ पे एन हटा दो, तो अब सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको उसको जनरल फॉर्म में बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा फ्रूट, टेल मी द नेम ऑफ ए फ्रूट, तो आप कोई भी एक फ्रूट का नाम बता दोगे ना, आप सुन को कि आ और सारे बता, सारे बता, मैंने n या a वर्ड लग जाता है ना, n या a वर्ड, इसका मतलब होता है इस चीज का एक एग्जांपल, इस चीज का एक एग्जांपल, तो इसके एंटी डेरिवेटिव बहुत सारे हैं, उनमें से एक एग्जांपल आपको देना है, तो एक एग्जांपल क्यों ना c हटा के दे दें, वो भी है ना उसका एग्जांपल, इसलिए उसमें मिल गया, ठीक है ना भाई। बड़ा ही बेसिक लेवल से चल रहा है इंटीग्रेशन, इसलिए अभी वो सी लगाना भी जरूरी नहीं समझ रहा हूँ। एनसीईआरटी मैंने क्या कहा, भगवत गीता है एग्जांपल नंबर वन, उसने जानबूझ के सी भी नहीं लगाया था, कि बच्चा इस बुक को ही पढ़ लेने से एग्जांपल्स को सॉल्व करें, तो एक्सरसाइज वन का इंट्रोडक्शन तो यहीं से हो जाता है। अभी अपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने नोटिस किया हो, केवल एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए एक तरीके से, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में रीडिंग लगाते हैं चैप्टर में, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना। तो काफी अच्छा पैटर्न है कैलकुलस का, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। अब आर डी शर्मा और ये सब करते हैं बच्चे, लेकिन आई विल सजेस्ट कि एनसीईआरटी करो पहले। हाँ जी, कुछ इनको भी निपटाएं एक बार, ताकि कल एक्सरसाइज वन के लिए हम बिल्कुल रेडी रहे। देखो किसी ने कहा कि सर इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका इंटीग्रल बताओ, बार बार अभी तो मुंह से डेरिवेटिव निकलेगा कुछ दिन, मैं लिख देता हूँ अलग से। चलो x cube minus 1 डिवाइडेड बाय क्या नीचे, किसी ने कहा सर इसका मुझे इंटीग्रल बताओ, तो पहला दिमाग मन में जा गया यार ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव होता है, ऐसा फंक्शन तो याद है ही नहीं, तो फिर थोड़ी बहुत टेक्निक यूज करते हैं, कैसे इसको मैं अलग अलग करता हूँ। अब टेक्निक शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत टेक्निक शुरू हो गई है यहाँ से, है ना, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ओके फाइन, इधर आ जाओ, तो इट विल बी लाइक एक्स
माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है डीएक्स। अब याद रखना जैसे डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस क्या होता था, सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव का सम कर दोगे ना, तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन में होगा, दो फंक्शंस के डिफरेंस का इंटीग्रल, इन दोनों के इंटीग्रल्स का डिफरेंस हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रल करके क्या लगा दो, डिफरेंस लगा दो, है ना। तो अब आपको x का ही तो करना है, x की पावर 1 है, 1 है तो क्या कर दोगे 2 और नीचे 2, एक ही तो बढ़ाते हो पावर भाई, 1 है तो 1 का क्या कर दोगे 2। अब आप करके देखो x स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव वो होता है ना, ठीक है माइनस साइन है मैंने माइनस लगा दिया, या तो अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि माइनस 1 बाय x स्क्वायर का माइनस 1 बाय x स्क्वायर 1 बाय x का डेरिवेटिव होता था, याद करो 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता था, तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रल ये होगा प्लस 1 बाय x हो जाएगा यहाँ पे भाई, प्लस 1 बाय x का डेरिवेटिव होता था ना ये माइनस 1 बाय x स्क्वायर, या तो डायरेक्ट याद हो। चलो सर नहीं आया, याद नहीं आया, वैसे तो आप करते करते याद हो जाएगा क्वेश्चंस करते करते, मान लो कि नहीं आया कोई बात नहीं, है तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस 2, ये लगाया x, माइनस 2 प्लस 1 पावर बढ़ाओगे तो माइनस 1, और जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, और प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 1 है और यहाँ पे माइनस 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 प्लस, और x की पावर माइनस 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो x की पावर माइनस 1, और x की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस। तो टेक्निक से कह लो, डायरेक्ट इंस्पेक्शन से कह लो, डायरेक्ट चीजें जो याद रखनी है उससे कह लो, कुल मिलाकर इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस से हमको डील तो करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हम इसका। बताओ एक्स टू द पावर 2/3, तो 2/3 में एक पावर जोड़ दो, एक पावर जोड़ दो, और जो जोड़ी है वही नीचे लिख दो, ठीक है। तो 2/3 प्लस 1 क्या होता है 3, 1 = 3, 5/3, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5/3, और नीचे 5/3 का उल्टा यानी 3/5 आंसर, और प्लस सी तो लगेगा लगेगा, और सॉरी प्लस वन भी है, तो प्लस वन का डेरिवेटिव एक्स, वो स्पेसिफिक केस ले लिया था अपने पॉलिनोमियल फंक्शन का बाई 1 × dx, तो इंटीग्रेशन dx एक तरीके से क्या है ये इंटीग्रेशन dx। अच्छा इनिशियल लेवल पे आप ऐसे करोगे, देखो बेटा ये दो फंक्शन आ गए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास दो फंक्शन आ गए ऐसे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, मतलब पहली एक्सरसाइज में आप ऐसे करोगे प्लस 2 dx ऐसा आ गया, तो आप एक्स ऐसे एक साथ ही नहीं सोल्व करोगे कि एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x प्लस, ऐसे डायरेक्ट नहीं सोल्व करोगे, या दूसरी तीसरी एक्सरसाइज से करना शुरू कर दोगे डायरेक्ट, पहली एक्सरसाइज में आप बिल्कुल बड़े प्यार से करोगे छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा क्या करेगा, इसको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 dx स्प्लिट करोगे अलग, ठीक है ना, क्योंकि ये dx दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल भी दोनों। अब इसको अलग से सोल्व करोगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, अब इधर से कॉन्स्टेंट मिला उसको ले लो सी, प्लस 2 का क्या होगा 2x, इधर से दूसरा कांस्टेंट मिला C2, और ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, जुड़ के कांस्टेंट ही बनना है। तो अगली स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, इसको एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x प्लस एक कॉमन C लगा दो, और यहाँ लिख दो वेयर, वेयर इस C का मतलब है C1 प्लस C2। यह है बिल्कुल बच्चों वाला तरीका। तो कुछ इक्वेशन में अपने को यही अप्लाई करना है उससे, और करने में बुराई भी नहीं है, ऐसा करने से आप ही के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि C1 C2 दो कांस्टेंट्स को जोड़ने के एक C मिल सकता है ना, अगर तीन फंक्शन है तो C1 C2 C3 और मर्ज करके। अच्छा कल को ये नेगेटिव आ जाए तो भी नहीं घबराना, वैसे नेगेटिव आता नहीं, अपन प्लस C1 ही लगाते हैं, ठीक है ना, C1 प्लस C2 C बनता है, तो C1 माइनस C2 भी C ही बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट ही बनेगा, कैसे भी उसका नाम ले लें हम, है ना, क्लियर है। ये वाला बताना, लास्ट वाला बता सकते हो, देखो एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 5/2, और 5/2 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5/2 नीचे आएगा तो उल्टा हो गया 2/5, प्लस का प्लस 2 का 2 e टू द पावर x का e टू द पावर x डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस 1 बाय x किसका होता है log x। और याद रखना NCERT ने सजेस्ट यही किया है कि आप मॉडुलस x log के आगे आप x सीधा मत लिखो, मॉडुलस x लगाओ प्लस सी। तो अब आप इसको करोगे तो C1 C2 C3 देख लो नेक्स्ट पेज पे, C1 C2 C3 करके फिर मर्ज करके उन्होंने लिखा है, फिर मर्ज करके उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे देखो, इधर से निकला C1, इधर से निकला C1, फिर इधर से निकला C2, और ये दूसरा है क्वेश्चन, ही दूसरा है तो वही तो था, चलो एनीवेज। अच्छा ये रहा तीसरा, मतलब उसको फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन था ना, तो इधर से निकला, अब देखो आ गए ना डायरेक्ट, देखो धीरे धीरे ये लोग भी डायरेक्ट आ रहे हैं। अब इसमें उसने इसको जब अलग किया तो इसने इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख लिया, इसमें C1 नहीं लगाया, इसमें C2 नहीं लगाया, इसमें C3 नहीं लगाया,
तो हम भी करेंगे ऐसे, हम भी बिल्कुल इसी के पैटर्न पे चलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन मैं कहूंगा, पहली सारी एक्सरसाइज में आप C1 C2 C3 करके करना। अब बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री पे एंटर हो, एग्जाम्पल सारे करो एक्सरसाइज वन से, ऐसे मतलब इंस्पेक्शन के जरिए, है ना। बोलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रल करूंगा तो अगर आंसर सी में तो नेगेटिव लगेगा। कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स, सीधा करके लिख दूं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वेरी इजी। अच्छा जी, अब ये तो ऐसा तो कुछ होता नहीं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, हालांकि होता है पर आखिरी एक्सरसाइज में आएगा वो, ऐसा तो डायरेक्ट तो आपको पता नहीं प्रोडक्ट रूल। कई बच्चे इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, इसका इंटीग्रल फिर इसको एज इट इज, फिर प्लस इसका इंटीग्रल इसका, तो वो डेरिवेटिव में चलता था यू डैश वी, अब इंटीग्रल में नहीं चल रहा वो, ऐसी कोई टेक्निक नहीं यहाँ पे हमारे पास, है ना। और है तो आखिरी में थोड़ी डिफरेंट है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़े जुगाड़ लगाएंगे, इंटीग्रेशन होए का मतलब ही जुगाड़ है, इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा अजीब सा फंक्शन आ जाए दैट मीन्स हमको उसका क्या यूज करना है, जुगाड़ यूज करना है। कोसेक इंटू कोसेक एक्सिस, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्सिस, कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखो मजा आ गया ना, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, कॉट एक्स टाइप का एक फंक्शन का होता था, और आंसर सी में आ रहा है तो फिर नेगेटिव लगाऊंगा। देखो अपने माइंड के अंदर क्या प्रोसेस चला, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, कॉट एक्स टाइप का फंक्शन का होता था, अब नेगेटिव पोजिशन नेगेटिव पोजिशन, आंसर सी में आ गया तो नेगेटिव, ठीक है। प्लस कॉसेक एक्स किसका, कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका होता था, ये गलत बताया क्या आपने, नहीं सही है सही है सही, तो ये प्लस, तो इसका आंसर भी सी में आ रहा है, ये दोनों का सी में आ रहा है, तो माइनस कॉटेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। इधर आओ, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, और वन बाय कॉस एक्स और रह गया भाई, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मतलब दो कॉस एक्स है ना यहाँ पे, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो टेन एक्स, और वन बाय कॉस एक्स सेक एक्स, हो गया काम, जुगाड़ लगा लिया बढ़िया। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, टेन एक्स का, और टेन एक्स सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस को माइनस ही रहेगा, और टेन एक्स सेक एक्स किसका होता है, सेक एक्स का, ठीक है क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको हर इक्वेशन में ऐसे पूछ रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, फिर बाद में ऐसे नहीं पूछूंगा, फिर मैं कहूँगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बोलो, आप बोलोगे टेन एक्स, ठीक है क्लियर। देखें और कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो इसी टाइप के, हाँ ये क्या कह रहा है, अब देखो कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, डेफिनेट इनडेफिनेट से, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत दूर है लेकिन एक हल्की सी झलक दी है इसने कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। देखो इसने क्या कहा कि एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, और एंटी डेरिवेटिव का नाम इसने कैपिटल एफ रख दिया, वो तो रखे ना रखे एक ही बात है ना, कैपिटल एफ फंक्शन रख दिया इसका ना, तो एंटी डेरिवेटिव निकालो आप, तो इसका इंटीग्रल चाहिए आपको एक तरीके से, फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स इंटू डी एक्स, ये इसका आंसर चाहिए। तो फोर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर फोर का होता है, और सिक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स, सिक्स तो सिक्स ही रहेगा और एक एक्स पैदा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट जब डेरिवेटिव करते थे तो एक्स खत्म हो जाता था, अभी इंटीग्रल में लगेगा, समझ में आई बात, ओके प्लस सी, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रल आ गया। लेकिन उसने क्या कहा कि एफ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री रख के देखना, वहां से मैंने क्या कहा था आपको, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती, ये वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक तरीके से एफ ऑफ एक्स है, ये भी एक फंक्शन है, और इसके एंटी डेरिवेटिव का नाम उसने क्या रखा है, कैपिटल एफ, और ये एक्स का फंक्शन है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। अब इसने क्या कहा, एफ ऑफ जीरो जो है वो थ्री है, तो मैं यहाँ से एफ ऑफ जीरो निकालने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं निकालूंगा तो जीरो टू द पावर फोर माइनस सिक्स इंटू जीरो, और सी तो सी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, थ्री, तो ये जीरो प्लस सी यानी सी की वैल्यू थ्री, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से जो कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, वो सॉल्व हो गया। तो अब ये जो इंटीग्रल है ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बन चुका है, क्या, एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, हालांकि ये बहुत बात का काम है पर हल्का सा वो इंट्रोडक्शन सबका करना चाहता है ना, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल आ चुका है ना, क्लियर है, रिमार्क्स उसने लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखो एक्स एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, चलो इसको पढ़ लेना एक बार, है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा उसने ना, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बोथ आर ऑपरेशन ऑन फंक्शन, ठीक है, दोनों ही इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे कि जब डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, के बार के टू बार, इंटीग्रेशन में भी यही है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन थ्री एक्स डी एक्स है, निकालो थ्री को बाहर, आ तो एक्स डी एक्स का करो, मजे रहो, डेरिवेटिव में भी करते थे ना, अगर
डी बाय डी एक्स ऑफ 3x करना था, निकालो 3 को बाहर, आप तो डी बाय डी एक्स ऑफ x का ही करते थे, तो वो की वही प्रॉपर्टी कांस्टेंट को बाहर इसमें भी निकाला जा सके। के वन बाहर रख दिया, केवल x का ही कर दिया, के टू बाहर रख दिया, के x का ही कर दिया, ठीक है, क्लियर है ये प्रॉपर्टी सैंपल को पढ़ो। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑल फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, सिमिलरली ऑल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल, यस ऑफ कोर्स, हमने देखा था कि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी थे, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी हमारी एक्सरसाइज थी पूरी। तो अगर जिस तरीके से सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसी तरीके से सारे के सारे फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं है, उसके बारे में लेटर डिस्कस करेंगे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नॉन इंटीग्रेबल हायर क्लासेस में, इस साल तो है ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। डेरिवेटिव एक यूनिक फंक्शन होता है, लेकिन इंटीग्रल इज नॉट सो, इंटीग्रल यूनिक फंक्शन नहीं होता है ना, ठीक है, चलो ये तो पहली आपने पहली बताई थी, तो पहली बात ही बताई थी आपको है ना, ठीक है। व्हेन अ पॉलीनोमियल फंक्शन पी इज डिफरेंशिएटेड, तो उसकी पावर एक कम हो जाती है, व्हेन अ पॉलीनोमियल फंक्शन पी इज डिफरेंशिएटेड द रिजल्ट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री वन लेस है, और पॉलीनोमियल फंक्शन पी को इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन है लेकिन उसकी डिग्री वन मोर है, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। हम एक पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात करते थे, जैसे कि हमारा एफ डैश एक्स आ गया, कुछ भी आ गया, लेट अस से 2x आ गया, तो हम एफ डैश वन भी निकालते थे, एफ डैश टू भी निकालते थे। एफ डैश वन एफ डैश टू का मतलब क्या है, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, उसी तरीके से इंटीग्रेशन एट सम पॉइंट की बात बताओ करेंगे नहीं करेंगे, सिमिलरली इंटीग्रल एक उस पॉइंट की भी बात की जाएगी, देखो क्या लिखा हुआ है, लेकिन देखो इंटीग्रल एक पॉइंट की बात नहीं की जाती, इंटीग्रल एक इंटरवल की बात की जाती, देखो क्या कह रहा है, वी कैन स्पीक ऑफ द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, वी नेवर स्पीक ऑफ द इंटीग्रल एट ए पॉइंट, वी स्पीक ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ओवर एन इंटरवल, आएगा अभी आगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा ये चीज, किसमें आएगा, डेफिनेट। देखो हम ऐसे करते थे, एफ डैश टू बताओ कुछ तो बताओ, कुछ तो होगा ना, एफ डैश एक्स कुछ है तो, एफ डैश थ्री कुछ तो बताओ, तो ऐसा इंटीग्रेशन में तो नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में ये जरूर होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बताओ फ्रॉम 3 to 7, तो ये 3 to 7 इंटरवल है, क्या है ये 3 to 7, क्या है ये इंटरवल, इसका भी एक मीनिंग है, ज्योमेट्रिक मीनिंग है, तो ये हम 7.7 यानी 6 एक्सरसाइज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ कि फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा आपको, ठीक है ना, और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब ये सारे कर्व्स ऑर्थोगोनल होते हैं, ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स जो एक दूसरे के पैरेलल, इनको क्या कहेंगे अपन, ऑर्थोगोनल, ठीक है आगे चलो। ऑर्थोगोनल लाइन होती है विद द लाइंस ऑर्थोगोनल टू द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल, देखो ये क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास फिगर ही है ना, देखो कहाँ गया, इस फिगर पे आ जाओ, ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब समझ, देखो ये कह रहा है कि हमको अगर इंटीग्रल चाहिए, हमको अगर इंटीग्रल चाहिए तो इंटीग्रल में फैमिली ऑफ कर्व्स मिल गया हमको, मिल गया, तो जिस जो हमको इंटीग्रल चाहिए, तो जैसे अपन करते थे ना कर्व का एक पॉइंट पे स्लोप निकालते थे, तो वो जो पॉइंट से कनेक्ट होने वाली लाइन बनेगी, वो जो पॉइंट से कनेक्ट होने वाली लाइन बनेगी वो ऑर्थोगोनल होगी, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, जैसे एक्स इक्वल टू 3 पे बात कर रहे हो, तो एक्स इक्वल टू 3 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उससे कर्व बनेगा और उससे लाइन बनेगी, दैट विल बी ऑर्थोगोनल, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 है, तो सब कुछ अच्छे से समझ में आया, कल आज का काम आपका एक केवल और केवल एक ही काम है, टू लर्न दैट टेबल एनी हाउ, कैसे भी करके, कल आते ही आप अटको ही ना, मतलब मैं कुछ भी कहूँ और उस टेबल में से आप डायरेक्ट आंसर बता पाओ, इस पोजीशन पे आप रहोगे तो 7.1 तो यूं ही खत्म, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।